तो इस क्वेश्चन में अपने को यूज करना है क्यूएम मेथड, और बोल रहा है कि उससे रिडक्शन करके बताओ कि आंसर क्या आएगा, और प्राइम इंप्लीकेंट्स पूछ रहा है। ठीक है, तो हमें पता है कि क्यूएम मेथड में क्या करना होता है कि अपने को ग्रुपिंग करनी होती है। तो सबसे पहले तो ये टर्म्स को लिख लेते हैं, ये जो अपने को एक डोंट केयर वाली टर्म दे रखी है ये, और जो अपने को मिन टर्म्स दे रखी है वो। ठीक है, तो पहले डोंट केयर वाली टर्म लिख लेते हैं क्योंकि वो सबसे छोटा है, 1 है। फिर ऐसे लाइन वाइज लिखते चलेंगे 2, 3, 7। वैसे तो लाइन वाइज का कोई मतलब नहीं है इसमें, इसमें मतलब होता है अपने को कि ये ग्रुपिंग करनी है कि जिसमें एक बार 1 आ रहा है या 2 बार 1 आ रहे हैं उनके अलग ग्रुपिंग, जिनमें 3 बार 1 आ रहे हैं उनके अलग ग्रुपिंग। तो 1 तो 0 0 1 हो गया, 2 लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, 0 0 1 0। तो इसमें भी क्या है, एक ही 1 है, तो इसको हम लोगों ने बोल दिया ग्रुप 1। ठीक है, फिर एक हमारे पास आएगा 3, 3 हो जाएगा अपने पास 0 0 1 1। इसमें कितनी बार आ रहे हैं, 1, 2 बार आ रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ग्रुप 2। और फिर अगर हम बात करें तो क्या आ रहा है, 7 0 1 1 1, तो इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, ग्रुप 3, क्योंकि इसमें 1 कितनी बार आ रहे हैं, 3 बार आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने क्या करनी होती है, इनकी पेयरिंग करनी होती है। ठीक है, जैसे ये जो पहले वाला मेरे पास दे रखा है 0 0 0 1, इसको मैं अच्छा क्या करते हैं, nth ग्रुप को n+1th के साथ कंपेयर करके देखते हैं। ठीक है, वैसे पेयरिंग करते हैं, तो जो G1 है उसकी पेयरिंग हम लोग करेंगे G2 के साथ, और जो G2 है उसकी पेयरिंग हम लोग करेंगे G3 के साथ। तो देखते हैं कि पेयरिंग करते कैसे। ठीक है, अब देखो जैसे यहां पे ये 0 है, ये 0 है, 0 है, ये 1 है। ठीक है, इसकी पेयरिंग मेरे को करनी है अगले वाले के साथ है, तो ये 1 और 1 तो मैच कर गया, ये अगले वाले 1 2 1 2 0 भी मैच कर गए थे, बस ये वाला 0 और ये वाला 1 डिफरेंट है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 0 -1 ऐसे करके लिख सकता हूँ। ये किसके करस्पॉन्डिंग लिखा है मैंने, ये पहले वाला क्या था मेरे पास 1, और दूसरे वाला क्या था, ये दूसरे वाला क्या था मेरे पास 2, तो मैंने क्या लिखा, सॉरी ये तो 2 था और ये 3 था, तो मैंने पेयरिंग किसकी करी है, 1 और 3 की। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें 1 और 4 में, सॉरी 1 और 3 की पेयरिंग तो हो गई है, हमें देखनी है अब ये 2 और 3 की पेयरिंग। ठीक है, तो 2 और 3 की पेयरिंग कर सकता हूं ना मैं, कि ये आगे वाले 3 और ये 3 तो कॉमन ही है, 0 1 की जगह डैश आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 2 और 3 की पेयरिंग कर। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 0 1 और डैश। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि ये वाले की पेयरिंग इससे करनी है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये वाला 1 कॉमन है, ये वाला 1 कॉमन है, ये वाला 0 कॉमन है, ये वाले 1 की जगह क्या आ जाएगा, डैश आ जाएगा। पेयरिंग किसकी किसकी करी है हम लोगों ने, 3 और 7 की। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, जब इसकी पेयरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 0 -1 1। ठीक है, अब हम लोगों ने सेम मेथड इनमें अप्लाई करना है कि, तो इनमें पेयरिंग करने के लिए पहले देखना पड़ेगा कि डैश कॉमन प्लेस पे है क्या, ये पहले वाले दूसरे वाले और तीसरे वाले में, पहले वाले का डैश जहां है, इसका जो डैश जहां है वहां पे दूसरे वाले का डैश है क्या, नहीं है, तो इसमें हम लोग पेयरिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनके आगे टिक नहीं लगेंगे, जो हम लोगों ने पहले पेयरिंग करी है उसमें क्या होगा कि इसका और इसका पेयरिंग हो गया था तो टिक लगा दिया, फिर इसका और इसका पेयरिंग हो गया था तो इस पे तो ऑलरेडी टिक लगा हुआ है, तो यहाँ पे सेकंड वाले पे टिक। अब सेकंड वाले के बाद हम लोग ग्रुप 2 में गए, तो ग्रुप 2 का ग्रुप 3 के साथ पेयरिंग हो रहा है तो इस पे तो टिक लगा ही हुआ है, इस पे एक टिक और लग जाएगा, ये पूरे कवर हो जाएगा। लेकिन ये डैश, ये नीचे वाले किसी वाले के साथ डैश पेयरिंग में नहीं आ रहा, ना इसकी पेयरिंग हो रही है, ना इसकी पेयरिंग हो रही है, ना इसकी पेयरिंग हो रही है, तो इनके आगे टिक नहीं लगा, तो ये हमारे क्या हो गए, प्राइम इंप्लीकेंट्स हो गए। बिकॉज नोट, जिसके जिसके आगे टिक नहीं लगा होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा प्राइम इंप्लीकेंट हो जाएगा। मान लिया यहां से भी किसी में टिक ना लगा होता तो वो भी क्या हो जाता, हमारा प्राइम इंप्लीकेंट हो जाता, लेकिन इस केस में तो सभी पे लग ही गया टिक। अच्छा, अब लेकिन इसने प्राइम इंप्लीकेंट नहीं पूछा, इसने पूछा असेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट। ठीक है, तो असेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट की बात करते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, इसको और मिनिमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है अपने को कि एक टेबल बनाना पड़ेगा, यहाँ पे तो कौन कौन से आएंगे, जो मिन टर्म्स थे वो कौन से थे, 2, 3 और 7, इसमें हम लोगों को डोंट केयर वाले नहीं लेने होते। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जो हमारे प्राइम इंप्लीकेंट्स थे वो कौन कौन से थे, 1 और 3, तो
तो वन और थ्री के करस्पॉन्डिंग कौन कौन सी टर्म थी, ये जो जीरो जीरो डैश वन था और जो मेरे यहाँ पे टर्म्स है वो कौन से। अच्छा ये पहले वाला जीरो जो मैंने लिखा है ना, इसको लिखने का फायदा नहीं है, 4 बिट का बना दिया, यहाँ पे तो 3 बिट के हिसाब से लिखा हुआ था। तो पहले वाला जीरो हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, ये वाला जीरो हटा देते हैं, ये वाला जीरो हटा देते हैं, तो ये वाला जीरो भी हट जाएगा, ये वाला जीरो और ये वाला जीरो भी हट जाएगा। ठीक है ये बन गया। अब वन और थ्री के हिसाब से क्या बन रहा है, जीरो वन जीरो डैश वन, और ये यहाँ पे टर्म्स क्या आनी चाहिए थी, ए बी सी। तो वन और थ्री के हिसाब से ये बनेगा क्या, ए बार और सी। और उसके बाद क्या है, टू थ्री, 2,3 के हिसाब से क्या है, जीरो वन और डैश, जीरो के हिसाब से क्या हो जाएगा, ए बार और बी और बस इतना ही, ए बार बी। उसके बाद क्या है अपने पास, 3,7, 3,7 के करस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है, डैश वन वन, तो क्या बन जाएगा ये, बी सी। ठीक है ऐसे ये टेबल बना लेंगे। अब इसमें क्या है, ये हमने ये देखना है कि यहाँ पे वन और थ्री है, तो यहाँ पे वन है कहीं पे ऊपर रो में, नहीं है, ठीक है। अच्छा थ्री है, तो थ्री के सामने क्या आ जाएगा, एक क्रॉस लगा दे, ठीक। ये टू और थ्री का रेस्पॉन्डिंग क्या होगा, ये टू पे भी एक क्रॉस आ जाएगा और थ्री पे भी एक क्रॉस आ जाएगा, ठीक। फिर थ्री और सेवन के रेस्पॉन्डिंग देखेंगे, तो थ्री पे एक क्रॉस आ जाएगा और सेवन पे एक क्रॉस आ जाएगा। हमें क्या करना होता है, हमें इसमें ये देखना होता है कि सिंगल क्रॉस कौन से कॉलम में आ रहा है, तो सिंगल क्रॉस इस कॉलम में आ रहा है और सिंगल क्रॉस इस कॉलम में आ रहा है, तो ये हमारे क्या बन जाएंगे, असेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट्स बन जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लिया ऐसा होता कि और भी टर्म्स होते आगे, ठीक है, तो उसके लिए और लंबा मेथड पड़ता, असेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट निकालने के। लेकिन इसमें तो सिंगल क्रॉस वाले यही आ रहे हैं ना, और बाकी इसमें तो तीन क्रॉस हो गए। या फिर इसमें क्या करते कि हम इसको ले लेते, ये 2,3 वाले को ले लेते और ये 3,7 वाले को ले लेते, ठीक है। फिर इसके हिसाब से हम लोग देखते कि असेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट में और कोई टर्म भी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। वो कैसा क्वेश्चन बनता है जिसमें और भी टर्म्स होते हैं, यहाँ पे आगे और टर्म्स होते हैं, इसमें तो है नहीं, तो इसमें सिर्फ टू और सेवन वाला क्या हो जाएगा, असेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट, ठीक है। तो असेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट्स लिखे जाएंगे इसमें। असेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट्स हो जाएंगे इसमें 2,7, और जो आंसर हो जाएगा फाइनली अपने पास, ये क्रॉस यहाँ पे लगा हुआ था तो एक टर्म क्या आ जाएगी, ए बार बी, और एक क्रॉस यहाँ लगा हुआ था इसके करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, बी सी। तो जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो अपने पास आ जाएगा ए बार बी प्लस बी सी, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को एक बार के मैप के थ्रू करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो तीन वेरिएबल वाला के मैप बनाना है अपने को, अपने वो टर्म्स कौन कौन सी दे रखी थी इसमें, ए और बी सी, ए एम एस भी है तो वहां लिख दिया, ये बी सी, ये यहाँ पे ए बार आ जाएगा, यहाँ जीरो लिख दो, ये वन लिख दो, ये जीरो जीरो, ये जीरो वन, ये वन जीरो और ये वन वन। इसमें हमारे कौन कौन से टर्म पे था, इसमें डोंट केयर वाली टर्म कौन सी थी, वन वाली, तो वन वाली तो डोंट केयर कर दी। और टू और थ्री में कौन सा आएगा, इसमें और कौन कौन सी टर्म्स थी, टू थ्री और सेवन, तो टू हमारा आ जाएगा, यहाँ जीरो आता है, यहाँ वन आता है, यहाँ आता है टू, तो टू वाली टर्म में क्या आएगा, वन, ठीक है। फिर यहाँ क्या आ जाएगा, थ्री, और इसमें कौन कौन सी टर्म्स थी, टू थ्री और सेवन, तो थ्री यहाँ पे आ जाएगा और सेवन कहाँ पे आ जाएगा, सॉरी ये यहाँ पे वन लगा, ये वन यहाँ आ जाएगा और एक वन यहाँ आ जाएगा। तो इसमें पेयरिंग किस टाइप की बन जाएगी, एक तो ये पेयरिंग बन जाएगी और एक ये पेयरिंग बन जाएगी। ये ऊपर वाली पेयरिंग को देखेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा कि इसमें ए तो फिक्स्ड रह रहा है, ए बार, और इसमें क्या फिक्स रह रहा है, ये वाला वन फिक्स रह रहा है, ये वाला वन फिक्स रह रहा है, वन और जीरो चेंज हो रहे हैं ना, तो वन किसके करस्पॉन्डिंग है, बी के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब ये वाली पेयरिंग देखते हैं, ये वाली पेयरिंग में क्या हो रहा है, ए तो वैरी हो रहा है, उसको लेंगे नहीं, ठीक है। फिर क्या आएगा हमारे पास, एक बी आ जाएगा और एक सी आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से, ए बार बी प्लस बी सी, तो सेम आंसर आ रहा है। तो इसको हम लोग क्यूएम मेथड से नहीं करते जब तक क्वेश्चन में नहीं लिखा होता, क्वेश्चन में लिखा हुआ था इसलिए क्यूएम मेथड से किया, नहीं तो तीन वेरिएबल वाला तो हम के मैप से ही करेंगे, ठीक है।